हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल डीटी फॉर यू। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही नॉलेज वाली चीज़ बताने वाला हूं। आपने सुना होगा यार जेट एयरवेज का नाम। आप में से कुछ लोगों ने उन फ्लाइट में सफ़र भी किया होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जेट एयरवेज कंपनी की। जेट एयरवेज कभी अर्श पे हुआ करता था, आज फर्श पे है। कुछ तो हुआ होगा इसके साथ। मेरा कहने का मतलब ये है, जो कंपनी एक समय बिल्कुल ऊंचाई पे थी, आज दिवालिया होने के कगार पे हैं। तो ऐसा क्यों, क्या हुआ उसने, ऐसा क्या फेस करना पड़ा उसको। 26 साल पुरानी कंपनी आज दिवालिया होने के कगार पे है। सारे उसके चेयरमैन, बोर्ड, डायरेक्टर, CFO, CEO सारे इस्तीफा दे चुके हैं। मतलब वो कंपनी ख़त्म होने के कगार पे है। सेंसेक्स से उसकी छुट्टी हो चुकी है, ठीक है, ख़त्म होने वाला है वो टोटल। शेयर मार्केट लगातार तीसरी तिमाही डाउन चल रही है, माइनस में है। क्या हुआ उस कंपनी के साथ। चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ कि कैसे एक कंपनी एक रुपये के लिए, केवल एक रुपये के चक्कर में बर्बाद हो गई, वो है जेट एयरवेज। उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, तो देखते रहिए। आप क्यों देना पड़ा इसको। आर्थिक संकट से जूझ रही भारत की प्रमुख एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के फाउंडर और चेयरमैन नरेश गोयल ने अपनी पत्नी अनीता गोयल के साथ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इस्तीफा दे दिया है। अब घाटे में चल रही इस कंपनी को लेनदार संभालेंगे। पिछले एक साल से भी ज़्यादा समय से यह एयरलाइंस कंपनी घाटे में चल रही थी। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में इस घाटे से उबरने के लिए कई जतन किए, लेकिन खुद को फिर से खड़ा नहीं कर पाई। विदेशी बाजार में तेल की कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपए के कमज़ोर होने और एयरलाइन मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसे कई कारण हैं कि जेट एयरवेज की हालत आज स्थिति में पहुंच गई है। आइए जानते हैं कि कभी देश की सबसे अग्रिम एयरलाइंस रही जेट एयरवेज को क्यों इतना घाटा हुआ, और जिस व्यक्ति ने इस कंपनी को खड़ा किया उसे क्यों अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो चलिए लाइन से देखेंगे आखिर हुआ क्या था। तो मैं जेट एयरवेज की कहानी बताने वाला हूं कि जेट एयरवेज साथ हुआ क्या था। 10 साल पहले की बात करें तो जेट एयरवेज भारत की सबसे लीडिंग एयरलाइंस में से एक थी। साल 1993 में नरेश गोयल उसकी पत्नी अनीता गोयल ने मिलकर जेट एयरवेज को खड़ा किया था। इसके बाद करीब 15 साल तक इस एयरलाइंस ने खूब मुनाफा कमाया। 2017 तक भी इसकी हालत इतनी बुरी नहीं थी कि बंद होने के कगार पर पहुंच जाए, लेकिन 2018 में जेट एयरवेज की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, अपने पायलट, एयर होस्टेस और ग्राउंड स्टाफ की सैलरी तक चुकाने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं बचे थे। हालांकि फिर भी उस दौरान एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों को यह दिलासा दिलाई कि वे सहयोग करें तो जेट एयरवेज पहले की तरह पटरी पर आ जाएगी। कर्मचारियों ने सहयोग भी किया, लेकिन कंपनी की माली हालत फर्श से अर्श तक नहीं पहुँच पाई। साल 2019 आते आते वेंडरों को पेमेंट नहीं मिलने के चलते जेट एयरवेज को अपने 40 से ज़्यादा विमान एयरपोर्ट पर खड़े करने पड़ गए। कंपनी वेंडरों को पैसे तक नहीं चुका पा रही है, जिससे इन विमानों का परिचालन बंद करना पड़ा। मैं आपको बता दूं यार कि इसके पास टोटल 119 विमान थे, जिसमें से केवल 15 अभी चल रहे थे, ठीक है, अभी अप्रैल की बात कर रहा हूँ आपको, केवल 15 चल रहे थे। अब सोचिए क्या हालत होगी इसकी। इससे यात्रियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिन लोगों ने जेट एयरवेज की फ़्लाइट में टिकट बुक कराए थे, उनका टिकट कैंसिल कर दिया गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जेट एयरवेज के डूबने की कगार तक पहुंचने का कारण क्या था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेट एयरवेज के डूबने की कगार पर पहुंचने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह खुद को वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से नहीं ढाल पाई। सही सी बात है यार, जैसा समय है वैसा अपने आप को ढलना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी हो चाहे हम स्वयं हो। अगर अपने आप को नहीं ढालेंगे ना तो हमको मार्केट बाहर कर देगी, वही इसके साथ हुआ। वर्तमान में कई एयरलाइंस कंपनियां भारत और अन्य देशों में अपने विमान संचालित कर रही है। इससे एयरलाइंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है, जिससे वह चाहकर भी एयर टिकटों के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती, उसे मार्केट रेट के हिसाब से ही चलना होगा। दूसरी ओर एक एयरलाइंस कंपनी का करीब आधा पैसा विमान में इस्तेमाल किए जाने वाले फ्यूल में खर्च होता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हम लोग जो विमान जो कंपनी है, विमानन कंपनी जो है, वो जो फ्यूल यूज़ करती है ना अपने एयरलाइन को उड़ाने के लिए, उसमें जो फ्यूल यूज़ होता है, आधा खर्चा, मान लो 10 करोड़ कमाती है तो 5 करोड़ रुपये ना फ्यूल में खर्च होता है। तो यही इसका मेन रीज़न था कि फ्यूल में खर्च होते हैं। कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम तो हुए, लेकिन सरकारी टैक्स की वजह से इसका फ़ायदा एविएशन इंडस्ट्री को नहीं हुआ। नतीजन एयरलाइंस कंपनियों का तेल का खर्चा बढ़ता ही गया। इसका असर जेट एयरवेज पर भी
हुआ। एक कारण यह भी बताया जाता है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा कमज़ोर हुई। एयरलाइन कंपनियों ने को हवाई जहाज़ खरीदने, जहाज़ पर लोन लेने और अन्य विदेशी खर्चों के लिए ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है, जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा धन विदेशों में जा रहा है। इसका असर भी जेट एयरवेज की आर्थिक स्थिति पर बखूबी से पड़ा। अब आगे क्या हुआ इस कंपनी का, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। कर्ज में डूबी जेट एयरवेज को कर्जदारों बैंकों ने सभी कर्जदाताओं के साथ मिलकर ऋण शोधन की प्रक्रिया अपनाई। बैंकों ने तय किया कि चेयरमैन कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को घटाए, जिससे कर्ज चुकता हो सके। सोमवार को कंपनी की बोर्ड बैठक में फाउंडर और चेयरमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उनकी हिस्सेदारी के करीब 1500 करोड़ रुपए कंपनी को मिले हैं। नरेश गोयल की हिस्सेदारी घटकर आधी हो गई है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में कंपनी पर करीब 8000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। हालांकि अभी तक कंपनी को नए निवेशक नहीं मिले हैं। यदि निवेशक मिलते हैं तो जेट एयरवेज की आर्थिक हालत में सुधार आ सकता है। तो ये तो था यार इसकी पूरी कहानी। बट अभी भी क्या हुआ ना, नरेश गोयल ने एक बात बोला है कि जेट एयरवेज का नया अध्याय शुरू हो रहा है। मतलब जेट एयरवेज ने नया अध्याय शुरू किया है, लेकिन यार पायलटों की आपबीती बहुत बुरी है। तो गोयल ने एक भावनात्मक चिट्ठी भी लिखी है पायलटों के लिए। पायलट, एयर हॉस्टेस जो काम करते हैं, टेक्नीशियन, वरिष्ठ टेक्नीशियन जो उस एयरलाइन कंपनी में काम करते हैं, उनके बारे में। चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। मैं बैंकों के समूह ने जेट एयरवेज के प्रबंधन में बदलाव कर उसे 1500 करोड़ की तत्काल सहायता तो मुहैया करा दी है। जैसा कि बताया ना आपको मैंने कि नरेश गोयल ने अपनी कंपनी के शेयर बेच दिए, इस्तीफा दे दिया, तो 1500 करोड़ करीब बना। ठीक है, तो 1500 करोड़ की जो व्यवस्था है वो बैंकों ने करा दी। लेकिन संकट काफ़ी गहरा है, कंपनी भारी कर्ज में फंसी हुई है। हालात इतने ख़राब हैं कि बैंकों की मदद मिलने के बाद भी कंपनी का फिर से खड़ा हो पाना बेहद मुश्किल है। जितने पैसे मदद के तौर पर बैंक देंगे उतने में कर्ज चुकाना तो दूर की बात। केवल पायलट, क्रू सदस्यों की सैलरी एवं जिन यात्रियों की टिकट कैंसिल की गई है उन्हें भुगतान किया जाना ही बेहतर होगा, मतलब उतना ही कर पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि नरेश गोयल कहाँ से आया, एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था नरेश गोयल, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते एयर जेट एयरवेज जैसी कंपनी को खड़ा कर दिया इसकी ये और इसकी पत्नी ने मिलकर, अनिता गोयल ने मिलकर। तो ये तो बहुत बड़ी कहानी है अगर इसके बारे में बताना चाहूँ तो। अर्श से अर्श तक पहुँचे थे, अब आज अर्श से फर्श तक हैं। यही मेरे आज की बताने का मकसद था कि यार समय के साथ अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है। इसने समय के साथ अपने आप को नहीं ढाला। दूसरा चीज़, अपने प्रतिद्वंदी जो आपके सामने कॉम्पिटिटर खड़ा है ना, उससे लड़ो, उससे झगड़ो, उससे कॉम्पिटिशन करो, लेकिन इतना मत घुस जाओ उस चीज़ में कि आप अपने आप को ही ना देखो। आप अपने राह पे चलो, अपने आप को चेंज करते चलो समय के अनुसार। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, जब किंगफिशर कंपनी, आपको याद होगा जब किंगफिशर कंपनी ख़त्म हुई थी ना, तो जेट एयरवेज को सबसे आगे आना चाहिए था परफॉर्मेंस के तौर पर, दुनिया में उभर के आना था, या भारत में तो खासकर नहीं। एक रुपए के चक्कर क्या हुआ पता है, जो 1 किलोमीटर चलने में जो पैसा लगता था ना इंडिगो फ्लाइट में, वो जेट एयरवेज में उससे ज़्यादा खर्च पड़ता था। मतलब मान लो 10 रुपए लग रहा है 1 किलोमीटर चलने में इंडिगो में, तो जेट एयरवेज में 11 रुपए पड़ता था। 1 रुपए उस कंपनी ने कम नहीं कर पाया अपना, इंडिगो को सस्ता था। इंडिगो इसका फ़ायदा उठाते गया, उसका मार्केट शेयर बढ़ता गया। सन 2013 तक उसका मार्केट शेयर इंडिगो का जेट एयरवेज से आगे हो गया। यही कारण था कि वो अपने घरेलू लड़ाई में बिजी रहा, अंतर्राष्ट्रीय विमान, दुनिया भर की जो विमानें हैं उनको छोड़ दिया, घरेलू लड़ाई में अपने आप को इसने गिरा दिया। चाहता तो किंगफिशर के बाद जेट एयरवेज ही सबसे ऊपर रहता, इंडिगो स्पाइसजेट कहीं सामने नहीं आता, लेकिन इसने अपने आप को खुद गिरा दिया, इसलिए मार्केट से बाहर होने की कगार पे है। तो गलतियां तो इसने की है, इसलिए आज बाहर होने पे है, दिवालिया होने के कगार पे। चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई यार, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अगर फिर से देखें, स्टार्टिंग्स देखें, समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, सीखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें यार, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।